नमस्कार। खुशी का मौका हो या त्योहारों की बहार, मिठाई का जिक्र जरूर आता है और मिठाइयों में बर्फी की अपनी अनोखी पहचान है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, नर्म व सरलता से बनने वाली मावा बर्फी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सिंपल एंड टेस्टी मावा बर्फी। मावा बर्फी बनाने के लिए ये लिया है हमने 400 ग्राम मावा और ये है 200 ग्राम तगार या पिसी चीनी या बूरा, आप जो भी लेना चाहें। 200 ग्राम से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं अगर आपको हल्का मीठा बनाना है। 6-7 पिस्ते की कतरन और 5-6 इलायची पाउडर। लो फ्लेम पर कढ़ाई गर्म होने रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले मावा। मावे को लो फ्लेम पर इस तरह लगातार चलाते हुए भूनना है। हम जितना ऐसे चलाएंगे उतनी ही बर्फी हमारी नर्म बनेगी। मावे का गीलापन खत्म हो चुका है। इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ये घर का ही बना मावा था नर्म, और अगर आपका मावा 1-2 दिन पुराना है, बाजार का है, थोड़ा सख्त है तो उसे ग्रेट कर लें और उसके बाद इस प्रकार थोड़ा सा जरूरत हो तो थोड़ा सा उसमें घी मिलाकर उसे इस प्रकार की क्रिया को करें। फ्लेम को बंद कर देते हैं। फ्लेम को बंद करने के बाद भी लगातार हम इसे चलाएंगे क्योंकि कढ़ाई हमारी बहुत गर्म है। मावे को कढ़ाई में से निकालकर प्लेट में ठंडा होने रख देते हैं। जब तक हमारा मावा ठंडा होता है हम प्लेट में घी लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसमें बर्फी जमाएंगे। प्लेट में निकाले भुने हुए मावे को हम इस तरह और चलाते रहेंगे जिससे ये ठंडा भी जल्दी होगा और बर्फी हमारी नर्म बनेगी। ये वाला स्टेप हमें जल्दी जल्दी करना है और जितना करेंगे उतनी ही बर्फी मुलायम बनेगी। अब मावा हमारा बर्फी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे हमने अच्छी तरह से खूब मैश कर लिया है। यहाँ हमको ये बात ध्यान रखनी है कि मावा एकदम ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा। अब हम उसी कढ़ाई में मावे को निकाल लेते हैं। ये मैं डाल देती हूँ तगार। अब डालते हैं हम इसमें इलायची पाउडर। अभी हमारा इस तरह बर्फी बनने के लिए मिश्रण बिल्कुल तैयार है। अब इसे घी लगी हुई तैयार प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह बर्फी को प्लेट में सेट कर देते हैं। अब लगाएंगे हम इस पर पिस्ता। पिस्ता डालकर थोड़ा थोड़ा इसको दबा देंगे जिससे कि ये इसमें सेट हो जाए। अब हम इसे करीब 2-3 घंटे के लिए छोड़ते हैं, फिर बर्फी को जमने पर काटेंगे। बर्फी को जमाए 3 घंटे हो चुके हैं। हमारी बर्फी अच्छी तरह से जम चुकी है। अब हम इसे अपनी मनपसंद शेप में काटते हैं। बर्फी अच्छी तरह से जम चुकी है। वैसे तो ये बर्फी आसानी से जम जाती है, लेकिन फिर भी यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि जमने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखकर भी सेट कर सकते हैं।
इस प्रकार के किसी फ्लैट चम्मच से हम इसे आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह हमारे पीस तैयार होते जाएंगे। यह बर्फी सभी को पसंद आती है और बनने में भी बड़ी आसान है। आप इसे जरूर बनाएं और बनने में लगने वाला समय भी इसका बहुत कम रहता है। इस बर्फी को आराम से एक वीक तक खा सकते हैं। इस तरह बहुत ही आसानी से बन चुकी है हमारी मावा बर्फी। घर में बनी यह मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट, नर्म व शुद्धता से युक्त है। तो अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और प्रसाद खाइए और खिलाइए। आज की हमारी स्वीट रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।